Hi guys, I'm Gagan Sharma from Savariya Properties. Welcome back to our channel. So, आज हम आपके लिए बहुत ही luxurious project लेके आ गए हैं, high rise apartments, जो कि लोग बोलते हैं high rise दिल्ली जैसी जगह में लेके आई है. तो आज हम the Amarellis in Karolbag खड़े हैं by Unity Group. 40 acres of land parcel की township है ये. बहुत ही luxurious project है, सारी amenities पास हैं, hospital, school, colleges बहुत ही पास हैं. और प्राइम लोकेशन है, सुपर लोकेशन है. तो अभी ये उसका सैंपल फ्लैट है, तो मैं पहले आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ. और बारिश का मौसम हो रहा है थोड़ा, तो मैं जितनी एमिनिटीज़ हो सकते हैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा अपने एंड से. दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम. ये 3740 स्क्वायर फीट का ये सैंपल फ्लैट है. दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम. बहुत ही अच्छे साइज़ का है, पूरा फुल्ली लोडेड है. इसके इंटीरियर्स देख सकते हैं आप, कितने अमेजिंग है. और ये इसका आ जाता है अटैच्ड बाथरूम. दिखा दीजिए अटैच्ड बाथरूम को भी इस तरफ से. यहाँ पे आपको प्रीमियम फील आने वाली है, पीस ऑफ माइंड मिलता है. हाई राइज लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी एमिनिटीज मिले, पीस ऑफ माइंड मिले और सिक्योरिटी प्रॉपर मिले. तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है दिल्ली जैसी जगह में, करोलबाग जैसी जगह में बाय द यूनिटी ग्रुप. और देख सकते हैं, हाँ एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको. एंट्री पे देखेंगे, नॉर्मली हम अपने चैनल पे 8 feet के डोर से स्टार्ट करते हैं. ये देखिए अमेजिंग 10 feet डोर हाइट है इसकी. और यहाँ पे आपको डोर लॉक मिलता है, मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं, RFID कार्ड, फिंगरप्रिंट सबसे एक्सेस है इसकी. और आपके लिफ्ट में वही घुसेगा जिसके पास एक्सेस कार्ड हो. तो सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है. और ये आ जाता है आपका लिविंग एरिया. दिस इज़ द फॉर्मल लिविंग, दिस इज़ द कैजुअल लिविंग. यहाँ पे आपकी आ जाती है डाइनिंग टेबल. देख सकते हैं शैंडलियर लगा के कितना अमेजिंग सा लग रहा है. और अब चलते हैं इसके डेक की तरफ. अमेजिंग सी बालकनी है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको. बारिश का मौसम हो रहा है इसलिए थोड़ा अरेंजमेंट हटा दी गई है. यहाँ पे आपको सिटिंग स्पेस मिलता है पूरा. बारबेक्यू सेक्शन पीछे मिलेगा आपको. अमेजिंग पियानो शेप में इसका डिजाइन है. 10 feet की विड्थ है, कहीं 6 feet की भी मिलती है. बहुत ही अमेजिंग नज़ारे आपके होंगे दिल्ली के, बहुत ही अमेजिंग से नज़ारे होंगे. ये आपको बेयर शेल मिलेगा, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, आप जैसा मर्जी चाहें. मूवेबल इसकी वॉल्स होंगी, ये बीस्पोक कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है. मींस आप अपने हिसाब से वॉल्स मूव करवा सकते हैं. टेलर मेड कॉन्सेप्ट है. और पिलरलेस है, 80% लोडिंग है सिर्फ इसमें. यह आ जाती है इसकी किचन, आइलैंड कॉन्सेप्ट में इसकी किचन है. ऑनेक्स मार्बल लगा हुआ है, देख सकते हैं. सारे अप्लायंसेस हैं, हॉब मिलता है, अच्छी खासी स्टोरेज मिलती है, चिमनी मिलती है. और अब चलते हैं इसके यूटिलिटी स्पेस की तरफ. यहाँ पे आपका आ जाता है वेट एरिया, यहाँ पर अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं. ये आपकी वॉशिंग स्पेस इधर आ जाती है. और ये आपका आ जाता है सर्वेंट रूम. बंक बेड मिलता है आपको, 2 servants रह सकते हैं इधर. 2 servants की स्पेस है, स्टोरेज स्पेस भी है. इधर आपके अटैच बाथरूम आ जाता है. आपका सर्वेंट्स एंटर करेंगे इस तरफ से, एक्सेस मिलेगी उसको इसकी और थ्रू किचन आपके फ्लोर की. ये स्पेस मैंने आपको दिखा दिया. अब चलते हैं इसके प्राइवेट स्पेस की तरफ, जो कि इस साइड है. ये पूरा इसका पब्लिक स्पेस था. वहाँ पे आपको एक डोर मिलती है जो इनक्लोज्ड हो जाएगी, जो आपके पिन कोड से ही खुलेगी. एंड दिस इज द पाउडर रूम. यहाँ पे आपको देखिए व्हाइट सतपारियो मिलता है, अमेजिंग से कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ आप करवा सकते हैं. चलिए अब दिस इज द प्राइवेट स्पेस ऑफ दिस फ्लोर. ये आपका आ जाता है टेंपल एरिया. यहाँ पे आप अपना टेंपल सेटअप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी वाइब आने वाली है. और ये आपका आ जाता है पेरेंट्स रूम. देख सकते हैं एक बेड प्लेस करने के बाद भी कितनी अच्छी खासी स्पेस बच रही है. यहाँ पे आप अपना चेयर भी डाल सकते हैं. अमेजिंग से शैंडलियर मिलता है, टीवी मिलता है, सामने टीवी कैबिनेट आपका.
और हर रूम के साथ आपको बालकनी मिलेगी। यहाँ आपका प्रॉपर डेक एरिया आ जाता है, वाटर बॉडी मिलती है, स्विंग मिलता है, पूरी एल शेप में है, अमेजिंग नज़ारे मिलेंगे, ग्रीन नज़ारे मिलेंगे। और ये इसका अटैच बाथरूम आ जाता है, ये भी दिखा दीजिए, अमेजिंग, आपका दिल खुश हो जाएगा। कैमरा जस्टिफाई नहीं करवा सकता। और इसकी एक और आई कैचिंग जो प्रॉपर्टी है वो है इसके 20th फ्लोर पे आपको स्काई वॉक मिलती है, 1 किलोमीटर के अराउंड जॉगिंग ट्रैक मिलता है आपको। ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आया है, दिल्ली जैसी जगह में ऐसा कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको। नज़ारे मिलेंगे जामा मस्जिद के, कनॉट प्लेस के, और अमेजिंग नज़ारे मिलेंगे वहाँ से। वहाँ पे 3 स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा थोड़ा। ये अभी फेज़ 2 और फेज़ 3 की पिचिंग है। फेज़ 1 डिलीवर्ड हो चुका है, 600 फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं, रह रही हैं। और दिस इज दी मास्टर बेडरूम, देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा है। बेड प्लेस करने के बाद भी कितनी स्पेस बच रही है। यहाँ पे आपका स्टडी टेबल आ जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ इसकी, 80% ये कवर्ड है ग्लास से, तो प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट मिलेगी इस मास्टर बेडरूम को। यहाँ पे आप अपना छोटा सा मिनी बार भी कर सकते हैं, प्राइवेट बार। और अब चलते हैं इसकी बालकनी में, आ जाइए भैया जी। यहाँ पे आपका सिटिंग स्पेस मिलता है, जो मैंने अभी आपको किड्स रूम से दिखाया था। ये आ जाती है आपकी स्विंग, ऐसा कुछ आप अपना डिजाइन कर सकते हैं इस एरिया में। अब चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ, 3740 का है। उससे पहले मैं आपको इसका वो दिखा दूं, अटैच्ड बाथरूम, हिज और हर वॉश बेसिन मिलती है आपको इधर, अमेजिंग स्पेस मिलता है, वार्डरोब मिलती है, और देख सकते हैं जकूजी मिलता है। ये सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग मिलेगा, सिटिंग लेज मिलती है, और ये ग्लास है जो बाहर के लोग नहीं देख सकते, अंदर से हम बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है इधर। और ये है इसका किड्स रूम, विच इज द लास्ट बेडरूम। पिलर ग्लास है पूरी फ्लोर, देख सकते हैं इसका भी अच्छा साइज है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहते, जिनकी दुकान है सदर बाजार चांदनी चौक में, जो यहीं रहना चाहते हैं, दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहते, गुड़गांव जैसी जगह पे नहीं जाना चाहते, तो ये कॉन्सेप्ट उन्हीं के लिए। बहुत ही हर जो एमिनिटीज दी गई है उसके पीछे रीजन है। बेसिकली ऐसी जगहों में 1-2 एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे 7-8 एंट्री मिलेगी आपको। फेज 2 और फेज 3 की पिचिंग है, फेज 4 भी आ रहा है। आइकॉनिक टावर विच इज डिजाइंड बाय वर्साचे, ये आ जाते हैं। इसका अटैच बाथरूम देख सकते हैं, कितना अमेजिंग सा है, कितने स्पेशियस है, डिसेंट साइज का है। और ये था इसका किड्स बेडरूम। ये मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा बाहर का भी टूर दे देता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि क्या है ये दी एमरेलीज बाय यूनिटी ग्रुप इन करोलबाग। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो अभी हम खड़े इसके मॉडल रूम में, ये इसका मॉडल रूम है। यहाँ पे आपको तैयार स्ट्रक्चर मिलेंगे कि कैसा बन के मिलेगा आपको, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि कैसा मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा आइकॉनिक टावर है, और ये इसके फेज 3 है, फेज 2 है, और आइकॉनिक टावर है 48-49 फ्लोर्स तक जाएगा। पर आपको हेलीपैड मिलेगा डिजाइन बाय वर्साचे, ये मिस्टर बिनॉय ने बनाया, जिन्होंने आबू धाबी का फरारी वर्ल्ड भी डिज़ाइन किया। पूरा प्रोजेक्ट 40 एकड़ का उन्होंने डिज़ाइन किया है। ये इसका फेज 2 है, ये इसका फेज 3 है। ये है 32 फ्लोर्स के, और जो इसके पीछे है फेज 1 है, जो कि डिपिक्ट नहीं किया हुआ, इसमें अभी शो नहीं किया हुआ, बिकॉज मेनली पिचिंग इन्हीं प्रोजेक्ट की है, इन्हीं फेज की है। और उसमें 11 फ्लोर्स तक है, उसमें 600 फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, फैमिली रह रही हैं, ऑपरेशनल क्लब हाउस हैं, बैंकेट्स हैं, उसमें भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और ये जो है नया प्रोजेक्ट आ रहा है विद न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी विद न्यू एमिनिटीज़, जो कि फेज 2 फेज 3 फेज, ये इसका 4 है, ये इसका फेज 5 है, ये इसका फेज 6 है। स्काई वॉक मिलेगी आपको 20th फ्लोर पे,
जो कि कुतुब मीनार की हाइट के बराबर है। ऊपर से आपको अमेजिंग व्यू मिलेगा राष्ट्रपति भवन का, कनॉट प्लेस का, और बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलेंगे आपको वहाँ से, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, न्यू रोहतक रोड पे है, इनका रोलबाग सेंट्रल दिल्ली में है, लोकेटेड है। ऐसा प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा। ऊपर आपको स्काई वॉक पे, हालांकि वो क्लब हाउस नहीं है, वहाँ पे भी आपको 3 स्विमिंग पूल मिलेंगे एंड जिम मिलता है, किड्स एरिया मिलता है, कैफे मिलता है, और क्लब एरिया इसका सेपरेट है। नीचे है जो कि ग्राउंड पे फर्स्ट फ्लोर -1 पे आता है, उधर आपको सेपरेट बैंकेट्स मिलेंगे, इन हाउस डाइनिंग मिलता है आपको, कैफेज मिलते हैं, प्ले एरिया मिलता है, सारी चीज़। ऐसी एमिनिटीज़, ऐसा प्रोजेक्ट मैंने दिल्ली में नहीं देखा, विथ सो मच एमिनिटीज़। जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहते, जिनकी बिजनेसेस, जिनकी जॉब्स यहाँ पे हैं, जो दिल्ली को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते और हसल बसल से थोड़ा सेपरेट पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट लाया है यूनिटी ग्रुप आप सभी के लिए। अब चलते हैं इसकी स्काई वॉक पे, दिखाता हूँ कैसे नज़ारे होने वाले हैं वहाँ से। ये इसका मॉडल मैंने आपको पूरा समझा दिया। इसकी एंट्रेंस है, 7 से 8 एंट्रेंस है इसकी। ऐसी एंट्रेंस नॉर्मली आपको 2-3 मिलती हैं हर प्रोजेक्ट में, मतलब इसकी 7 से 8 एंट्रेंस मिलेगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से टावर में रहते हैं, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत ही प्रॉपर रहेगी इसमें। मान लीजिए आपके घर पे किसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, आप अपने ऐप पे OTP जनरेट होएगा, वो गार्ड्स के पास जाएगा और वो जो गेस्ट हैं आपके, वो OTP दिखा के गार्ड्स को तभी एक्सेस कर सकते हैं, बिना उसके नहीं एक्सेस कर सकते। लिफ्ट भी आपकी हिटैची की लिफ्ट है, बहुत ही आपको एक्सेस कार्ड चाहिए होता है उसके लिए, लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए, लिफ्ट में जाने के लिए। और ये सब इसकी एमिनिटीज़ हैं, ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको इस प्रोजेक्ट में। अब चलते हैं स्काई वॉक की तरफ। तो अभी हम आ गए इसके स्काई वॉक पे, जो कि 20th फ्लोर पे है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1.2 किलोमीटर का रनिंग ट्रैक, 2 जिम मिलते हैं, 3 स्विमिंग पूल मिलते हैं, किड्स प्ले एरिया मिलता है, कैफे मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आ रही। सिट आउट एरिया मिलता है, ग्रीनरी मिलती है आपको इधर, और देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा कितना अमेजिंग आ रहा है। और इधर आ जाता है आपका ये स्काई ब्रिज, जो कि मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी है और वहाँ से मंगा के यहाँ पे इंस्टॉल किया गया सीधा जर्मनी से। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। ये सामने आप देखेंगे, ये पूरा फेस 1 है जो कि डिलीवर्ड है, 600 फैमिली रह रही हैं, ऑपरेशनल है, सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड कर दिए गए हैं इसमें। और फेस 2 और फेस 3 में भी सिर्फ 20% बचे हैं अभी फ्लैट्स। और ये आ जाते हैं आपका आइकॉनिक टावर, इधर की साइड इधर से दिखेगा नहीं, इसके ऊपर हेलीपैड भी मिलता है और 48-49 फ्लोर तक जाएगा। अभी हम 20th फ्लोर पे खड़े हैं और यहाँ पे, यहाँ से आपको सिग्नेचर ब्रिज के भी नज़ारे मिलते हैं, अमेजिंग। तो अभी हम इसके 32nd फ्लोर पे दी एमरलीज के, और देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। ये स्काई विला है, अभी हम फेस 2 में खड़े हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इसका रेलवे स्टेशन आ जाता है करोल बाग का, और यहाँ पे कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा बिल्कुल इसकी ब्यूटी, मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल यहाँ से, कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। बादल भी दिख रहे हैं, हम बादल के ऊपर हैं थोड़े बहुत। और ये सामने आपका आइकॉनिक टावर आ जाता है, विच इज़ डिज़ाइंड बाय वर्साचे, जिसकी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये जो फेस है, फेस 2 और फेस 3, ये डिलीवर्ड हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और ये वाला बाय द एंड ऑफ 2024। और नज़ारे बहुत ही अमेजिंग है, और अभी मैं आपको स्काई वॉक भी दिखाऊंगा इसके बाद। यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा तो मन कर रहा है आज जाओ ही ना घर। ये देखिए सामने का व्यू कितना अमेजिंग सा है। 3, 4 and 5 BHK मिलते हैं, यहाँ पे स्काई विला भी अवेलेबल है। और सामने जो वर्साचे टावर मिल रहा है आपको,
आइकॉनिक टावर, इसके ऊपर हेलीपैड भी आएगा उधर, और सामने आपका आ जाता है नोएडा। सो दिस वॉज द होल टूर ऑफ द एमरेलीज इन करोलबाग। दिल्ली के दिल में लोकेटेड है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है और बहुत ही फुल ऑफ एमिनिटीज, बहुत ही लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। ड्रॉप ऑफ एरिया, क्लब हाउस, इसके अपार्टमेंट जो मैंने सैंपल फ्लैट दिखाए, स्काई वॉक, इसका स्काई विला, इतने प्रीमियम, इतनी प्रीमियम एमिनिटीज मिलती हैं विद फुल ऑफ सिक्योरिटी, पीसफुलनेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग इन दिल्ली। अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इससे बढ़िया प्रोजेक्ट विद फुल ऑफ एमिनिटीज नहीं है अभी दिल्ली में। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं देन कॉल अस ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। ये पीछे मेरे आप आइकॉनिक टावर देख सकते हैं, इतनी हाइट का, 48 स्टोरी का, शायद अभी तक नहीं है कोई भी दिल्ली में। तो कॉल अस ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दिस साइड गगन शर्मा साइनिंग ऑफ।